हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्र आ रहे हैं और मन पुकार रहा है माँ को। मन में मेरे संताप भरा है, आंसू बहते अखियों से। कैसे मुस्काऊं तुझ तक, कैसे पहुँच मैं पाऊँ माँ। अश्रुधार भरी आँखों से किस विधि दर्शन पाऊँ माँ। ऊंची नीची खाई माँ दुखों की बेड़ी, पड़ी पाँव में किस विधि चल कर आऊँ माँ। सिंह की सवारी करके लाल चुनरिया ओढ़ के मैया सुहागन का श्रृंगार बनके, जीवन में बहार बनके, घर में आशीर्वाद देने, बच्चों को दुलार देने। तुम ही अब आ जाओ माँ, स्वागत में तरसती अखियाँ, दर्शन देने आओ माँ। हे मैया, तेरा स्वागत है, मेरी नैया पार लगाओ माँ। अश्रुधार भरी आँखों से किस विधि दर्शन पाऊँ माँ, किस विधि दर्शन पाऊँ माँ। बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। दोस्तों, दिव्य स्त्री शक्ति देवी दुर्गा को समर्पित चैत्र नवरात्र का आगमन वसंत ऋतु के साथ बस हो ही रहा है। वर्ष की चार नवरात्र आती हैं, जिसमें दो मुख्य नवरात्र हैं, दो गुप्त होते हैं। मुख्य वाले में चैत्र नवरात्र प्रथम नवरात्र है और इसके बाद आएंगे दुर्गा पूजा, यानी अक्टूबर में जो अश्विन नवरात्र आते हैं। चैत्र नवरात्र की अपनी विशिष्टता है, अपना महत्व है। कहा गया है, इस अवधि में जो सूक्ष्म वातावरण होता है, इसमें दिव्य हलचल होते हैं। इसलिए चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। चैत्र माह की शुरुआत होती है और ब्रह्म पुराण के अनुसार पितामह ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। इसे सृष्टि का प्रथम दिन भी माना जाता है। चारों युगों में सबसे प्रथम सतयुग का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ और भगवान विष्णु ने इस दिन मत्स्य अवतार लिया और इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने शाकों पर विजय प्राप्त की थी और इसे स्थायी करने के लिए विक्रम संवत का आरंभ किया था। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक भी आज के दिन हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर भी आज के दिन ही राजा बने थे और उन्होंने ही युगाब्द यानी कि युधिष्ठिर संवत का आरंभ इस तिथि से किया। तो हमारा नया विक्रम संवत है, नव वर्ष है और हिंदू नव वर्ष 2080 इस बार प्रारंभ हो रहा है। बुधवार के दिन प्रारंभ होगा और बुधवार का दिन होने की वजह से आकाशीय मंत्रिमंडल के राजा बुध होने वाले हैं और भोग विलास लग्जरी सुख संपत्ति के कारण शुक्र ग्रह मंत्री के रूप में भूमिका निभाएंगे। बुध के राजा होने की वजह से धार्मिक कार्य में लोगों की रुचि बढ़ेगी, स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और संवत का वाहन इस बार गीदड़ और सियार है। तो ऐसे में सूखा कहीं समस्या हो सकती है, कहीं अधिक वर्षा हो सकती है और भी कई घटनाएं होंगी जिसके विषय में मैं चर्चा अन्य वीडियो में करूँगी। आज हम बात करें नवरात्र के 9 दिनों में कब और कैसे स्थापना करनी है। तो कहा गया है कि 9 दिनों में जो भी व्रत करता है, त्याग करता है, समर्पण करता है, भक्तों की सच्ची आस्था और विश्वास का प्रतीक है ये त्यौहार। माँ के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। घट स्थापना के साथ ही ये नवरात्र का पावन त्यौहार शुरू होता है और घट स्थापना का समय सबसे अच्छा सुबह का समय ही माना गया है। उस दिन अगर चित्रा या वैधृति रात्रि तक रहे तो यह वैधृत्य आदि के आद्य 3 अंश को त्याग कर 4th अंश में स्थापना की जा सकती है। अभिजीत मुहूर्त, अगर जो मुहूर्त दिया गया है उसमें स्थापना नहीं कर सकें तो अभिजीत मुहूर्त में आप स्थापना कर सकते हैं। स्मरण रहे कि देवी का चाहे आवाहन हो, प्रवेशन हो, नित्यार्चन हो, विसर्जन हो, ये सब प्रातः काल में ही करने चाहिए। और अगर घट स्थापना के बाद में सूतक आ जाए तो कोई दोष नहीं है, लेकिन पहले आ जाए तो पूजन आदि नहीं करने चाहिए। नवरात्र का प्रयोग प्रारंभ करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, सुगंध युक्त तेल से मंगल स्नान करना चाहिए। स्वच्छ सुंदर वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। पहले ही अपने घर को साफ सुथरा कर लें, हल्दी के जल का छिड़काव कर लें, मुख्य द्वार का श्रृंगार करें, सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करें, दक्षिणमुखी होकर के पितृ देवता को 1 लोटा जल अर्पित करें और इसके बाद कोई भी स्थिर और शांत पवित्र स्थान हो जहां आपके घर में उत्तर या पूरब की ओर, वहां पर शुभ मृत्तिका की वेदी बनाइए और फिर व्रत का संकल्प लीजिए।
मिट्टी की बेदी बनाकर जौ और गेहूँ दोनों मिलाकर इसमें बोए जाते हैं और इसी बेदी पर घट स्थापित किया जाता है। आप चाहें तो जो घट यानी कि कलश है वो सोने चांदी तांबे या मिट्टी का कलश ले सकते हैं और फिर गणेश आदि का पूजन पुण्य वाचन आदि करें और फिर देवी के समीप शुभ आसन पर पूरब या उत्तर मुखी होकर माँ का आवाहन करें और संकल्प करें, बोले मम महामाया भगवती वा मायाधिपति भगवत प्रीतये आयुर बल वित्त आरोग्य सम आदर आदि प्राप्तये वा नवरात्रि व्रत महम करिष्ये, इस प्रकार से वाचन करना चाहिए। और इस प्रकार शुभ संकल्प लेकर मंडल के मध्य में रखे हुए कलश पर सोने चांदी धातु पत्थर मिट्टी या चित्र के जो भी आपके कुल देवी देवता की मूर्ति हो उसको आप विराजमान कर सकते हैं या एक नारियल उस पर स्थापित करें और फिर उसका पूजन करें, आवाहन करें, आसन अर्घ आचमन स्नान वस्त्र गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमन तांबूल निरंजन पुष्पांजलि नमस्कार प्रार्थना आदि उपचारों से पूजन किया जाता है। फिर माँ की जोत जगाएं, गोबर के कंडे जलाकर उस पर घी डाल करके माँ का आवाहन कीजिए। सभी परिवार वाले जोत जब लेते हैं इसके बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस बार आप सभी के विशेष आग्रह पर मैं 9 दिन के अलग अलग पाठ दे रही हूँ क्योंकि दुर्गा सप्तशती सभी लोगों के लिए एक दिन में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो 9 दिन में किस प्रकार पाठ करते हैं वो मैं विधि के अनुसार प्रत्येक दिन का पाठ आपको देती रहूँगी। ध्यान रखना चाहिए अखंड दीप अवश्य जलाएं, पाठ पूजन के समय कम से कम पूरे टाइम दीपक जलते रहना चाहिए और स्त्री हो या पुरुष हो अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार सभी को नवरात्र व्रत करने चाहिए। 9 रात्रि से पूर्ण होता है व्रत, लेकिन इतना समय ना मिले तो सामर्थ्य के अनुसार 1 दिन 5 या 7 भी कर सकते हैं और व्रत में भी उपवास या जो बन सके यथा समर्थ वही करें। लास्ट दिन आपको यानी 9वें दिन अष्टमी नवमी या दशमी तो तीनों तिथियों में किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, तो आप सामर्थ्य अनुसार 1 दिन 5, 7 या 9 कन्याओं को देवी मानकर उनका गंध पुष्प आदि से पूजन करके उनको भोजन कराएं। इसके बाद हवन आदि करके पुनराहुति करके स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 9 रात्रि व्यतीत होने पर 10वें दिन प्रातःकाल में घट विसर्जन करना चाहिए और इस प्रकार से पूजन करने पर माँ भगवती प्रसन्न होती है। इस साल चैत्र नवरात्र 22 मार्च बुधवार के दिन से शुरू हो रहे पिंगल नामक संवत हो रहा है और इस बार माँ का वाहन नाव होने वाला है जो कि इस बात का संकेत देता है कि इस साल खूब वर्षा होने वाली है। देवी नौका पर आती है तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करके जाती है। ठीक इसी प्रकार से जिस दिन उनकी विदाई होती है उनके जाने का वाहन भी तय किया जाता है और दुर्गा माँ जब बुधवार अथवा शुक्रवार के दिन विदा लेती है तो उनका वाहन हाथी होता है जो कि अधिक बरसात के संकेत देता है। और इस बार जो चैत्र नवरात्र हो रहे हैं वो पूरे 9 दिनों के होने वाले हैं और इस 9 दिनों के अंदर अंदर आपको 3 सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहे हैं। 23 मार्च 27 मार्च और 30 मार्च को अमृत सिद्धि योग भी रहने वाला है। 24 मार्च को रवि सिद्धि योग, 26 मार्च और 29 मार्च को भी रवि सिद्धि योग लगेगा और नवरात्र के अंतिम दिन रामनवमी के दिन गुरु पुष्य योग रहने वाला है। इस बार रामनवमी बहुत ही खास रहने वाली है। रामनवमी के विशेष उपाय बताऊंगी आप सभी को और सभी को इस बार रामनवमी के दिन बसना ज़रूर डालना चाहिए। अगर आपके घर पर अभी तक आपने बसना नहीं डाला है तो अपना बसना पूजन करें और फिर देखिए कैसा कमाल आपके व्यापार में होता है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। 22 मार्च बुधवार के दिन है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम रूप है चंद्रमा को वो दर्शाती हैं और इनकी पूजा से कुंडली में चंद्रमा से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। इसी दिन आपकी घट स्थापना होगी। समय है 6:14 से सुबह 7:55 तक आप कर सकते हैं। शैलपुत्री माँ की आराधना करें इस दिन। माँ शैलपुत्री का पसंदीदा रंग लाल है जो कि उल्लास साहस और शक्ति का रंग माना जाता है और इस दिन लाल रंग का प्रयोग कर माँ का श्रृंगार आदि करते हैं, पूजन करते हैं तो माँ शीघ्र प्रसन्न होकर निर्णय क्षमता में वृद्धि करती है, इच्छित बल प्रदान करती है। इस दिन देवी माँ के भोग में आपको गाय का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए, इससे आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, सभी प्रकार की व्याधियाँ दूर होकर शरीर निरोगी होता है।
तो क्या करेंगे, सुबह सुबह जल्दी स्नान करेंगे, स्वच्छ वस्त्र धारण कर माता रानी का स्मरण करेंगे और पूजन आदि करके दुर्गा चालीसा अवश्य आपको पढ़ना चाहिए। सभी के हाथों में इस दिन कलावा अवश्य बांध लेना चाहिए और माथे पर तिलक लगाने के बाद ही कुमकुम का तिलक लगाइए और इसके बाद ही आपको पूजन प्रारंभ करना चाहिए। प्रत्येक दिन माँ की पूजा करने के बाद आरती अवश्य करनी चाहिए, सुबह शाम दोनों समय आरती कर सकते हैं और माता रानी को चाहें तो पहले दिन ही आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें या कम से कम लास्ट की तरफ आपको माँ को 16 श्रृंगार अवश्य अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक दिन माँ के पुष्पों से श्रृंगार करिए और जाप अवश्य करनी चाहिए, चाहें तो रोज हवन कर सकते हैं, चाहें तो सिर्फ लास्ट दिन नवमी के बाद में आप कभी भी हवन करें और माँ को प्रत्येक दिन उनकी इच्छा अनुसार या कोई भी मिठाई का आपको भोग अवश्य लगाना चाहिए। जो भोग होता है वो प्रसाद के रूप में खुद भी खाना चाहिए और पूरे परिवार को दिया जा सकता है। जो लोग भी पाठ करेंगे या साधना करेंगे ध्यान रखें, कोशिश करें रोज नियत समय पर एक ही समय पर आपको ध्यान पूजन आदि करना चाहिए। जो भी तांत्रिक साधनाएं कर रहे हैं उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जो समय दिया गया है उसके अनुसार ही आपको पूजन करना चाहिए। इस दिन जौ अवश्य बोनी चाहिए और जो लोग भी हवन करेंगे उसमें जौ अवश्य चढ़ानी चाहिए। जयंती बोएंगे उसमें जौ और गेहूं दोनों डालें क्योंकि कहा जाता है जब जौ उगती है तो ये आपके भविष्य से संबंधित कुछ बातों का संकेत भी देती है और प्रमुख कारण है कि जौ अन्न ब्रह्म है और हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए। नवरात्र के दूसरे दिन यानी 23 मार्च को गुरुवार के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। माँ ब्रह्मचारिणी कुंडली जागरण हेतु शक्ति प्रदान करती हैं, इनका रंग पीला है और इस दिन माँ को मंगल ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी हैं। तो मंगल ग्रह जिन लोगों के मांगलिक दोष से जो लोग ग्रसित हैं, एग्रेशन ज़्यादा आता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, जैसे पहले हमने बात की शैलपुत्री के चंद्रमा के दोष, तो चंद्रमा के दोष से डिप्रेशन ज़्यादा आता है, माता से व्यवहार खराब होते हैं, इसी प्रकार से मंगल ग्रह के प्रभाव से एग्रेशन ज़्यादा आता है तो गुस्सा ज़्यादा आता है। इस दिन माँ को आपको शक्कर का भोग लगाना चाहिए और देवी के चरणों में शक्कर अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटें, इससे सभी की आयु में वृद्धि होती है। नवरात्र का तीसरा दिन है 24 मार्च को शुक्रवार के दिन। इस दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाएगी। लग्जरी की देवी मानी गई है, शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। जिनके भी स्किन डिजीज आदि हैं, शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव जिनके जीवन में हैं, उनके स्किन प्रॉब्लम्स आदि में सुधार होता है। लग्जरीज अगर नहीं आ रही है लाइफ में, पैसा बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती है, तो उनको इस दिन ध्यानपूर्वक माँ के विशेष मंत्रों का जप करना चाहिए और हरे रंग का इस दिन विशेष महत्व होता है, तो माँ की पूजा में हरे रंग का उपयोग करें और माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई, खीर आदि का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान दें। इससे दुखों की मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। 25 मार्च शनिवार का दिन है। सूर्य का मार्गदर्शन करती हैं देवी और इनकी पूजा से सूर्य के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। सूर्य के कुप्रभावों की वजह से ही आपको यश मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, हर जगह बदनामी मिलती है, सब आप अच्छा करेंगे पर नुकसान होता है, रोग दोष आते हैं, गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी काम होते हैं चाहे गवर्नमेंट जॉब्स आदि उसमें आप क्लियर नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस दिन आपको सूर्य से संबंधित दोषों का निदान हो तो आपको सिलेटी रंग से माँ कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए और इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाएं, थोड़ा सा मालपुए का भोग सूर्य भगवान को लगाएं, किसी मंदिर में ब्राह्मण को दान कर सकते हैं और फिर आपको परिवार सहित प्रसाद पाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है, साथ ही साथ निर्णय शक्ति बढ़ती है। नवरात्र के पाँचवें दिन माँ स्कंद माता 26 मार्च का रविवार के दिन की जाएगी स्कंद माता की पूजा। बुध ग्रह को नियंत्रित करती है, बुध के प्रभाव कम होते हैं और इनका पसंदीदा रंग भी नारंगी है और सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। इस दिन जो भी नारंगी रंग का आप फल फूल इनके वस्त्र आदि उपयोग करते हैं, आप स्वयं भी नारंगी रंग के वस्त्र पहनते हैं और माँ को केले का नैवेद्य चढ़ाते हैं तो ये उत्तम होता है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, निरोगी काया की प्राप्ति होती है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 27 मार्च सोमवार के दिन और बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है आपके रिलेशनशिप्स, आपके अफेयर्स, आपके जो भी हेल्दी आपका दुर्भाग्य है जो बार बार
कुछ लोग होता है दुर्भाग्य होता है, हर चीज़ में फेलियर मिलती है, सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती, तो उन्हें इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऋषि कात्यायन की पुत्री है माँ कात्यायनी, सफ़ेद रंग इनको विशेष रूप से प्रिय है जो कि शांति का भी प्रतीक है। और आज के दिन माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए, इससे मनुष्य में वशीकरण शक्तियाँ स्ट्रांग होती है, आकर्षण पावर में वृद्धि होती है। नवरात्र का सातवां दिन सबसे फेवरेट दिन माँ काल रात्रि महाकाली की पूजा का दिन 28 मार्च मंगलवार के दिन, जो कि शनि ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी है। और शनि की 7:30 हो, ढैया हो, शनि के दोष हड्डी दोष परेशान हो रहे, बाधा कुष्ठ रोग बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, शनि के प्रभाव अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो माँ काल रात्रि का पसंदीदा रंग इस दिन गुलाबी यूज़ करके आप माँ देवी की पूजा करें। शुभ रंग गुलाबी है, गुलाबी वस्त्र धारण करें और माँ को गुड़ का भोग लगाइए और थोड़ा सा गुड़ दान कीजिए, इससे रोग शोक से मुक्ति मिलती है, आकस्मिक आने वाले संकटों से आपकी रक्षा होती है। नवरात्र का आठवां दिन माँ महागौरी की पूजा 29 मार्च बुधवार को की जाएगी। दुर्गा महाअष्टमी महानवमी भी माँ महागौरी की पूजा होगी और माँ महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी है। राहु के पूरे प्रभाव, जो भी कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, समझ नहीं आता है क्या करना है, हर चीज़ में बाधाएं उत्पन्न होती है, कोई भी ब्लैक मैजिक बड़ी इजीली हो जाता है आपके ऊपर, कोई भी किया धरा तुरंत आपके ऊपर रिएक्ट करता है, जीवन में शांति नहीं है, तो आपको इस दिन माँ महागौरी भक्तों में प्रसन्नता का संचार करती है, इनकी पूजा करनी चाहिए। हल्के नीले रंग का यानी आसमानी ब्लू स्काई ब्लू कलर का प्रयोग करें और माँ को नारियल का भोग अवश्य लगाइए, नारियल का दान कीजिए। एक तो संतान संबंधी अगर परेशानियाँ हैं तो वो दूर होगी और देवी माँ की कृपा प्राप्त होगी। नवरात्र का नवा दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा 30 मार्च गुरुवार को की जाएगी, इसी दिन पारण भी करना चाहिए। देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती है, आपके चाल चलन, आपकी जो पूजा पाठ डिटैचमेंट है इसको बताती हैं और केतु के बुरे प्रभाव अगर पड़ रहे हैं आपके जीवन में तो वो दूर होते हैं। आज के दिन पिकॉक ग्रीन यानी कि मोर वाले जो हरा रंग होता है उसका आपको उपयोग करना चाहिए और माँ को तिल का भोग लगा करके आज के दिन काले तिलों का भोग लगाइए और ब्राह्मण को दान कीजिए। एक तो इससे मृत्यु भय से राहत मिलेगी, साथ ही अनहोनी घटनाओं से आपका बचाव होगा। नवरात्र के 10वें दिन आपको पारना अवश्य करना चाहिए और कुछ श्रद्धालु अपने उपवास की पारना 8वें दिन कर लेते हैं जिसे अष्टमी कहा जाता है, ये भी सही है, गलत नहीं है। और कहा जाता है कि देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में लगातार जो 9 दिनों तक युद्ध चला था, आखिरकार महिषासुर की हार और हत्या के साथ आज के दिन युद्ध समाप्त हुआ था और 9वां दिन राक्षस पर देवी की शक्ति ताकत और ज्ञान के साथ जीत का प्रतीक माना गया है, इसलिए नवरात्रि पारण को नई और अच्छी शुरुआत की तरह शुभ माना जाता है। कुछ बातों का ध्यान भी रखें, दाढ़ी मूछ बाल नाखून आदि नहीं काटने चाहिए, वैक्सीन भी ना करवाएं, 9 दिनों में पहले करवा के रेडी रहें। और स्थापना कर रहे हैं तो घर को खाली ना छोड़ें, जो भी छोटे बच्चे हैं कहीं जाना पड़ता है, छोटी फैमिलीज हैं तो गणेश जी को आप वहाँ पर द्वारपाल के रूप में स्थापित करके फिर जाइए। 9 दिनों में व्रत करें तो बहुत अच्छी बात, फलाहार कर सकते हैं, एक समय भोजन कर सकते हैं, चाहे तो अगर नहीं पॉसिबल हो तो एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए, दोनों समय भी सात्विक भोजन कर सकते हैं अगर आपका तबीयत ठीक नहीं रहता है तो। और बस ध्यान रखना है नॉनवेज लहसुन प्याज ड्रिंक्स मांस मदिरा आदि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ट्राई करें अनाज और नमक का सेवन ना करें, सेंधा नमक ले सकते हैं और तंबाकू आदि का सेवन भी इस दौरान नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए सुबह समय से उठें और दोपहर को भी सोना नहीं चाहिए, रात्रि में भी ऐसा नहीं कि जल्दी सो गए, सोने में वक्त ज़ाया ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा माँ के मंत्रों का जप करें और किसी को भी ऊटपटांग ना बोलें, कोई गलत किसी को वाणी ना प्रयोग करें, क्योंकि आप व्रत करेंगे भोजन पानी आदि सभी का माँ की आराधना करेंगे, ऐसे में क्रोध करना ज़्यादा हिंसक होना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से
छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए इस बार नवरात्र का आगाज होने वाला है। तो माँ की खुशबू महक सी चारों तरफ हवाओं में फैल रही है धीरे धीरे। तो समय का फ़ायदा उठाइए और इस बार जो 9 दिन के पाठ मैं दे रही हूँ, जो लोग पूरा पाठ नहीं सुन पाते हैं, 9 दिन के छोटे छोटे पाठ में प्रत्येक दिन का एक पाठ अवश्य सुन लीजिए। आज के लिए इतना ही। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख करके पूछ लीजिए, बाद में 9 दिन नवरात्र के दौरान पूछेंगे तो शायद मैं ना बता पाऊँ। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और सिर्फ अकेले नहीं सुनना है, सारी जानकारी मैंने आपको दे करके अपना कर्तव्य निभाया है। आप सब भी अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चों से इसे अवश्य शेयर कर लें ताकि सभी लोग इन नवरात्र का पूर्ण फायदा उठाकर अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। माता रानी आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। छह माता दी पम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय।